एसएससी घोटाला मामले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी गिरफ्तार हो चुके हैं। दोनों ईडी की हिरासत में हैं, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है कि आखिर अर्पिता के घर से मिला कैश और सोना किसका है। दरअसल पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी दोनों ने ही दावा किया है कि ईडी की छापेमारी में बरामद कैश उनका नहीं है। न्यूज एजेंसी एनआई के मुताबिक अर्पिता मुखर्जी ने कहा कि पैसा मेरा नहीं है, ये मेरी अनुपस्थिति में वहां रखा गया था। इससे पहले मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया था कि अर्पिता मुखर्जी ने बताया था कि कैश पार्थ चटर्जी का है। हालांकि पार्थ चटर्जी ने रविवार को कहा था कि अर्पिता के फ्लैट से मिला करोड़ों का कैश उनका नहीं है। पार्थ चटर्जी को रविवार को जोका के ईएसआई अस्पताल में मेडिकल चेकअप के लिए लाया गया था। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए पार्थ चटर्जी ने कहा था कि वसूली के दौरान मिला पैसा मेरा नहीं है। जब उनसे पूछा गया कि क्या उनके खिलाफ कोई साजिश कर रहा है, तो उन्होंने कहा कि समय आने पर आपको पता चल जाएगा। बता दें कि पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई जारी है। पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी ईडी की कस्टडी में हैं। अब तक केंद्रीय जांच एजेंसी पार्थ चटर्जी से जुड़े करीब 17 ठिकानों पर छापा मार चुकी है। एक दर्जन से ज्यादा नए ठिकानों पर छापेमारी की तैयारी है। डायमंड सिटी के फ्लैट पर 22 जुलाई को छापा पड़ा, जबकि अब तक अर्पिता के 4 फ्लैट्स पर ईडी छापेमारी कर चुकी है। अर्पिता मुखर्जी के घर पर पहली छापेमारी में करीब 20 करोड़ रुपए से अधिक कैश और सोना, जबकि दूसरी छापेमारी में करीब 28 करोड़ रुपए कैश और सोना बरामद किया था।